देश में आज हम यह देख रहे हैं कि जिन्हें सत्ता मिली है वह संविधान की बुनियाद को मिटाने में लगे हुए हैं। हाल ही में बीजेपी के कई नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही है। ये कहना है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। उन्होंने कहा कि जब पढ़ा लिखा जागरूक युवा सही बातों को समझने लगेगा तो देश में नफरत की जो राजनीति चल रही है उसका कोई स्थान नहीं रह जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव से बात की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश के राऊ क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस एकता की मिसाल पेश कर रही है। इस यात्रा को लीड कर रहे राहुल गांधी जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव जी। सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता को? देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के लिए हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी हुई और अंग्रेजों से और सामंती व्यवस्था से निजात पाकर स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सपना देखा था, एक उनकी मंजिल थी कि हम स्वतंत्र देश में प्रजातांत्रिक फेडरल स्ट्रक्चर स्थापित करेंगे जिसमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होगी। आज हम ये देख रहे हैं कि जिनको सत्ता मिल गई है वो संविधान की बुनियाद को मिटाने में लगे। आपने कई बार मीडिया में भी देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि वो कहते हैं संविधान बदलने की ज़रूरत है। एक तरफ बाबा साहब आम्बेडकर को सलाम और दूसरी तरफ बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को बदलना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने समय समय पर कई बार इस बात को कहा है कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है। ये उनकी मंशा है कि जिस संविधान में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कोर्ट के बीच में एक दूसरे के ऊपर बैलेंस बना के हमको चलना है, दो लोग तीन लोग मिल के देश को नहीं चला सकते, ये तो तानाशाही होगी या राजशाही हो जाएगी। ये हमने प्रजातंत्र क्यों बनाया कि कोई एक व्यक्ति या एक समूह पूर्ण शक्तिशाली नहीं होगा, एक के ऊपर दूसरे का निगरानी रहेगी, दूसरे के ऊपर तीसरे की निगरानी रहेगी। ये हमारा देश था, ये हमारा संविधान था, इसको ये मिटाना चाहते हैं कि हम और सिर्फ हम। सर, जनता का बम्पर रिस्पांस मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी की इमेज एक रिवॉल्यूशनरी लीडर के तौर पर उभर कर आई है इस यात्रा के बाद, क्या कहेंगे आप? ये उनकी सच्चाई है, लोग जानते नहीं, समझते नहीं, दूर से देखते थे तब तक ये बात आ नहीं रही थी लोगों के सामने कि कितनी सच्ची मंशा को लेके ये व्यक्ति काम करते हैं। उनके मन में, मुझे भी उनके साथ कभी कभी काम करने का या बात करने का मौका मिला, परिस्थिति को अच्छा करने के अलावा उनके मन में कोई दूसरी बात नहीं रहती, अच्छा करना है, अच्छा करना है, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो विभाग हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो नोटबंदी हो, उनकी मंशा आलोचना की नहीं है, देश के लिए हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। और संविधान की मंशा भी उनकी वही है कि देश के स्वरूप को खतरा है तो हमको इस संविधान की रक्षा करनी है। सर, पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है युवाओं के बीच, परंतु अब युवा समझ चुका है कि विकास के मुद्दों पर ही वोट दिए जाएंगे, क्या कहेंगे आप? आखिर कब दूर होगी नफरत की राजनीति जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से IT सेल इंटेंशनली उठाती है? पढ़ा लिखा जागरूक युवा जब सही बातों को समझने लगेगा तो देश में नफरत की जो राजनीति चल रही है उसके लिए कोई स्थान नहीं रह जाएगा। या निश्चित तौर पे तो ये थे छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एकता का मैसेज दिया जा रहा है युवाओं के बीच और अब युवा जो है वो नफरत की राजनीति छोड़ एकता की राजनीति में विश्वास करेंगे और विकास के मुद्दों पर वोट दिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह परावत की रिपोर्ट, MP News, इंदौर।